हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाम क्या है पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा बाद में, क्योंकि हमारे पास फोन नहीं है तो हमारे चैनल का नाम भी नहीं है। जब फोन आएगा तो चैनल का नाम भी आ जाएगा। ये हमारा घर का हाल देख लो थोड़ा आप लोग, और ये हमारा नया बोलते जानी प्रेस करने वाले को दर्जी प्रेसर प्रेस करने वाले को क्या बोलते हैं, आयरन मैन हमारा आई है। और ये इसको पहले तैयार होना है, इस लड़की को देखो तो पहले तैयार होना चाहती है ताकि इसको डांटना पड़े। और टाइम हो गया है हमारा, 9 बज गया है और जाना हमें कितने बजे जाननी, 10 बजे। कितने बजे जाना है, 10 बजे। और ट्रेन कितने बजे की है, 2:30 बजे। ये है इंडिया के लोग, ऐसे इतना तेज अगर फ्यूचर बनाने में होते तो कहाँ होते। ये बीबी के सूट प्रेस करते हुए हमारा आयरन मैन। और गाइस ये देखो सच कहाँ है, ये ही नहीं दिख रहा, पर इस वीडियो के पीछे इनका वीडियो है जो कि चल रहा है। ये लोग खुद क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत टाइम बढ़ाने के लिए पीछे पागल हुए पड़े हैं। देखो गाइस, चांदनी आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। अरे बोल ले, अरे बोल ले चांदनी। हाँ भाभी बोल दे, रोटी बनाने जाना चाहिए। चल चलो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, थोड़ा काम कुम समेट ले वरना हम यहीं रह जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा काम कुम कर लेते हैं, तैयार त्यार होके फिर मिलते हैं। क्या ही तैयार होना, ऐसे ही निकल लेंगे हम तो। ये है इंडिया के लोग। जाने के टाइम में अब सिलाई चल रहा देगा। कैसे ना आएगी, कैसे ना आएगी, कैसे ना आएगी, ना के बताओ, थोड़ी देर में अभी थोड़ा पैकिंग पुकिंग कर लेते हैं और मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं फाइनल लुक में। ओके जी, तो गाइस गोरे होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है गाइस। गाइस ये देखो पानी गिर गया, मेकअप के चक्कर में इस बच्चे को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। उठा ना, तो उठा ले उसको अब। तो गाइस हम हो चुके हैं तैयार और ये हमारा थैला हो चुका है जो कि बहुत भारी है। हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम अम्बाला के लिए यहाँ से बस लेंगे और फिर उसके बाद हमारी ट्रेन, वैसे तो रात के 2 बजे है बट अभी निकलना पड़ रहा है। तो आगे हम ये लड़की वो आइसक्रीम के पीछे पड़ी रहती है, ये आती है तो हमेशा मेरा खर्च करवा के जाती है, आपने देखा ही होगा। देख लो कैसे कर रही है, चलो खिला देते हैं। तो गाइज हम फाइनली स्टेशन पे पहुंच चुके हैं अभी और 3 बजे रात की ट्रेन है गाइज। गाइज 1 बजा है और अभी सब वेट कर रहे हैं ट्रेन का, सबको नींद आ रही है पर पीहू को नींद नहीं आ रही है। ये गाइज देखो कितना खराब काम है, अभी सब लोग सोए हुए हैं इधर आराम कर रहे हैं क्योंकि सबकी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है, तो ये इधर ही लाके सब धुलाई उलाई कर रहे हैं। ये कौन सा टाइम है, एक रात के 1:24 हो रहे हैं बताओ, और ये अभी धुल रहे हैं। धुलना था तो सुबह धुल लिए होते या दोपहर में धुल लिए होते, पर रात के ये धुल रहे हैं, मतलब ये बस लोगों को परेशान कर रहे हैं। गाइज ये लड़की देखो, मम्मी गई है मुंह धोने, मम्मी गई है अपना खुराक लेने और मैंने गई हूँ हमारा खुराक लेके, और चिप्स और एक माजा। पूरा पर्स खाली कर दिया इसने, पैसे निकाल। अभी स्टेशन पे ही है हम लोग, अभी पूरा घूमना बाकी है। ये पैसे निकाल निकाल के दे दिए कुछ लाने के लिए। ओ ये आ गया, ये है। मैंने देखो इन्हें आइसक्रीम नहीं खिलाया पर माजा और चिप्स खिला दी, बताऊँ 10 रुपए की आइसक्रीम मैंने पट जाती, और यहाँ देख लो 10 रुपए की नहीं थी वो, 10 रुपए की थी वो, अच्छा अमूल की थी वो। 2 बजे गाइस, 1 घंटा और। सकल हमारा देखिए बिल्कुल उतर चुका है, इस जगह बैठे बैठे पापा तो सो गए ना, जा गए। तो गाइस देखो कितनी तेज बारिश होने स्टार्ट हो गई, और आ गई बट हमारी नहीं। बारिश तो देख कितनी तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है, और अपना घर से ना चक्कर भी लाना भूल गए। और तो गाइस 3 बज गया और 5-6 मिनट में हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है, और देखो अभी बारिश भी रुक गई है, अच्छा मौसम हो गया है। खैर इंतजार खत्म हो गई, 10 मिनट रही है। मौसम खराब हो गया, ठंड लग रही ना, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट आँख रही इसकी।
चलो सब चलो आगे चलो। तो गाइस देखो ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये जनरल बोगी है ना इसलिए इतना ज़्यादा इसमें भीड़ है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली नींद आ रही थी, पीयू मेरी गोद में सोई पड़ी है पूरी कवर होके। अरे ये बाप रे आज चलो। और ये भीड़ देखो भाई लोग कैसे हो रही है, मेरी मम्मी इधर चिल्ला रही है अलग कि उतर जा उतर जा उतर जा। हम लोग ऊपर से मजे से सो रहे थे, हमारी छोटी की नीचे सो रही थी बेचारी, उसकी मम्मी कॉल कर रही थी। ब्लॉग्स बन रहे हैं चल चल। तो गाइज देखो ये सारे लोग हमारे साथ के थे, हमें पता ही नहीं था क्योंकि ये सारे पापा के जजमान हैं और हम लोग इधर से घूम कर जाएंगे पूरा ये पुल, क्योंकि हमें इधर से इसलिए हम लोग जा रहे हैं इधर से क्योंकि उधर से रास्ता बंद है और उधर से बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए पापा ने शॉर्टकट मारे और इधर से सब लोग जा रहे हैं। भाई हम लोग हैं गैंगस्टर, खुद के रास्ते से जा रहे हैं। ये देखो चुप चुप के जा रहे हैं हम चुप चुप के जा रहे हैं। इधर दिखाओ मैं बताऊंगी असलियत चुप के जाने का, क्योंकि गाइस हो गया हमारा टिकट चोरी। यहाँ चल रही है टिकट चिकी चाकी और हमारा जो टिकट है वो हमारे बापू के फोन के साथ हमारे पापू ने गेर दिया रास्ते में, अब मतलब गायब हो गया, चोरी हो गया गाइस। No, 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 no.